मिली जानकारी के अनुसार दूसरे बाबा पर हमला होते देख आरोपी का जीजा रामपाल गिरी मौके से भाग निकला, जिससे उसका बचाव हो गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानीपत सिविल अस्पताल पहुंचाया। शेरे गांव के लोगों के बयानों और शिकायत के आधार पर मतलोडा थाना पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मुकेश नाथ ने बताया कि आरोपियों का जीजा बाबा रामपाल गिरी वह पानीपत के गाँव खंडरा में शादी शुदा है। उसके 3 बच्चे भी हैं। पारिवारिक कलेश के चलते उसने परिवार त्याग दिया और बाबा बन गया। इसी बात को लेकर उसके ससुराल पक्ष के लोग उससे नाराज थे। इसकी रंजिश रखते हुए उसका साला महेंद्र निवासी खंडरा आज सुबह कुटिया पर आया और उसने झगड़ा किया और उनके ताऊ गुरु को मौत के घाट उतार दिया। मेरे पास रहता था बाबा जगह ताऊ गुरु जी थे। मेरे ताऊ गुरु थे ये। और हमारे तो किसी के साथ बहस भी नहीं थी। वह हमारा बाबा जी आके रुक रहा था, वो गढ़पीर वो सन्यासी महात्मा, उसके साथ उनको वो खनरा पे रखा था। उसने उसको पीटने के लिए आए थे हमारे बाबा जी, उसको छुटवा रहे थे तो उनके से हमारे बाबा जी के ज़्यादा चोट लगी, इसके कारण वो शरीर पूरा कर गया। के कहाँ मार रखे से क्या मारे? बाजू पे भी मार रखे हैं, पैरों पे भी मार रखे हैं। हाँ, ज़्यादा नशे कर रहे थे वो। कितने लोग थे जो मार के गए? अब हमारे को तो क्या था, दो तो बता ही रहे हैं, दो थे ना, दो बोल रहे हैं। अच्छा, सुनने में यह है कि ये तो वैसे सो भी रहा था, धोखे में इसको मार के, ऐसा धोखे मार के क्या मारने? तो वो उसको आया था, वो अपने रिश्तेदार को जो वो बाबा जी बने रहते सन्यासी महात्मा था, उसको मारने के लिए आए थे तो वो सारा बाज गया और फिर ये उनका धोखे में लग गया कि वो सो रहे हैं। इसको कब से था यहाँ पे जी? और क्या ये तो हमारे पास ऐसे, अब हमारा गुरु महाराज था, हमारे गुरु जी से बड़ा भाई था उनका, ये आ जाता था चला जाता था घूमने फिरने। अभी तो एक हफ्ते से आया हुआ था हमारे पास इधर ये। हाँ, और दूसरे डेरे में रह रहा था 1 महीने 1.5 महीना के करीब, तो परमानेंट हो रह रहा था। ये कितने बजे घटना है और आप भी थे वहाँ? मैं नहीं, मैं तो दूसरे डेरे में गया हुआ था। बाबा जी का धर्मगढ़ डेरा है हमारा, 7 बजे वहाँ दूसरी कुटिया है, उसमें गया हुआ था मैं शाम को 5 बजे। मैं कल उस दूसरे कुटिया में चले गया धर्मगढ़, मुझे कोई नहीं पता। मुझे सवेरे जब शरीर पूरा कर गया, कोई आदमी हमारे पास घूमने के लिए आते हैं पीछे हमारे स्टेडियम है सवेरे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बाबा जी पड़ा है तो मेरे पास फ़ोन किया, बाबा जी ऐसे ऐसे कोई बाबा जी को मार के चला गया। तो मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो फिर भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वाले को भी खबर दी आगे। अब पता लगेगा कौन से थे रात को, अभी तक तो हमारे दो थे वे कौन से। देखो, हम श्याम ने छोड़ के गए थे बाबा जी ने, बाबा जी के साथ ही था मैं मुकेश नाथ जी के साथ, ठीक ठाक छोड़ के गए। 5:30 बजे हम वहाँ से निकल लिए थे शेरा गांव से। सवेरे जब हमारे पास 7 बजे फ़ोन आया भाई बाबा जी तो पूरे हो गए, हमने सोचा भाई कोई मजाक कर रहा है, मगर यार ऐसे थोड़ा होगा, हम श्याम ने ठीक छोड़ गए हैं सही हालत में। तो सवेरे जब हम गए वहाँ जाकर, हमने 2-3 बार और भी ट्राई कराया कि भाई कोई मजाक तो नहीं कर रहा हो भाई, ऐसे थोड़ा भाई बाबा की तो किसी से दुश्मन ही नहीं कुछ नहीं। तो वहाँ जाकर पता लगा भाई वाक्य में ये तो पूरा हो गया शरीर। लेकिन ये जो दूसरा बाबा जी है उसका साला था वो महेंद्र नाम बताया, खंदरा का होगा। तो क्या हुआ जी फिर, कैसे आया? उसने पूरा कर दिया बाबा जी को। किसी से हमला किया गया जी? हमला कैसे तो बताओ जी, डंडे से मारा जी। अच्छा, ये उस वक्त सो रहे थे या कोई बीच बचाव में आए थे क्या? सो रहे थे जी। तो इसकी कोई दुश्मनी थी या उससे थी किसी और से? दूसरे से दुश्मनी थी जी, इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके धोखे इसको मारा गया जी। उनके माध्यम से सूचना मिली थी हमें यहाँ से शेरा और खंडरा के बीच में जंगल है गाँव शेरा का जी, वहाँ एक कुटिया बनी हुई है जो महाराज जी रहते हैं, वहाँ महाराज जी को चोट मार के कोई डेड हो गया वहाँ महाराज जी। अच्छी ये सूचना मिली जो हम मौके पर पहुँचे थे, तो वो कार्रवाई होने। कुछ बताया सर किस आरोपी कौन था सर, कुछ पता लगा अभी तक? देखो अभी तो नहीं, कोई कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन वैसे भी कन्फर्म होगा। ये सेवाराम कब से था सर, कुछ बताया कि कितने क्या करता था कुटिया में? बाबा थे? बाबा थे। तो आरोपी की तलाश जारी है जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।